कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी को बताए, हम कल एक क्लास कर चुके हैं आपके DLED 4 सेमेस्टर मैथ की, जिसमें मैंने आपको पहले चैप्टर के बारे में बताया था, जिसका नाम है करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह, करणी का घातांक। ठीक है, उसके बारे में हमने बताया था कि करणी के नियम क्या होते हैं, करणी के घातांक के नियम क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। और मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। ठीक है, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में मैं आया हूं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को सरल कीजिए। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है आपका पहला, निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसका पहला पार्ट है आपका 1/2 की पावर 1/2। दूसरा पार्ट है इसका आपका √8 की पावर 1/3। तीसरा पार्ट है इसका आपका 32/243 की पावर -4/5। ठीक है, और इसका चौथा पार्ट है -1/343 की पावर -2/3। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है आपका, जिसका पहला पार्ट है 1/2 की पावर 1/2। ठीक है, तो मैंने कल आपको पहली क्लास में बताया था कि यदि कोई संख्या √x की पावर n है लिखी हुई, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/n। ठीक, यहाँ पे क्या है, 1/2 की पावर 1/2 है, तो इस तरीके से लिखी हुई है, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इस संख्या को, क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 √2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/n था तो यहाँ पे n पावर आ गई, तो वैसे ही यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब मैंने एक रूल और आपको बताया था कि √a/v जो होता है वो √a/√b के इक्वल होता है। ठीक है, अगर अपॉन में रूट में a/v है तब हम उसको क्या लिख सकते हैं, √a/√b, करणी a/करणी b लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ करणी 1/2। ठीक है, यहाँ पे आप 2 लिखो मत लिखो, मैंने आपसे बोला था करणी 1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, और करणी 2 की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है। ठीक है, ये आपका आंसर, आप 2 लिखो मत लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 आए 4 आए तब आपको लिखना मजबूरी बनता है। ठीक है, 2 ना भी लिखोगे तब भी आपका काम चलेगा। ठीक है, आई थिंक ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, इसको मिटा दूं, चलो इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर दो के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है आपका √8 की पावर 1/3। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर 3 है, तो पावर कहाँ आएगी, यहाँ पे आ जाएगी, जैसे अभी सेम क्वेश्चन करा था वैसे ही करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, 8 के फैक्टर करूँगा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ। आई थिंक ये बात भी समझ में आ रही होगी आप सभी को, 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, तो 3 का यहाँ पे क्या बनेगा, एक जोड़ा बनेगा,
इस तीन के जोड़े में से एक टू बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर तीन है इस घात करने की। करने की पावर कितनी है? तीन है। तो इसका मतलब क्या, हम तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। अगर करने की पावर चार होती तो हम चार चार के जोड़े बनाते, अगर करने की पावर दो होती या पावर ना भी होती यहाँ पे, इसका मतलब भी दो ही होता है। अब पावर दो लिख दूं तब भी दो ही होता है, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे अगर दो पावर होती तो दो दो के जोड़े बनाते हम, इसलिए यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा टू। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, टू। ठीक है, आई थिंक ये भी अच्छे से समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट है आपका 32/243 की पावर -4/5। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है? अब मैंने आपसे बताया था कि यदि a/b की पावर, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, यदि आपने अभी पहली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले पहली वीडियो देखो, और आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी बंदे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो BTC 4 सेमेस्टर में हैं, उनका एग्ज़ाम है, सभी में शेयर कर दिया करिए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियोज़ को। मैंने बताया था आपको कल कि a/b की पावर यदि -m/n है, तब हम उसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको उल्टा कर दें, b/a कर दें, तो पावर हमारी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, m/n हो जाएगी। वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। कैसे करेंगे देखो, अगर हम पावर पॉजिटिव करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 243/32 की पावर कितना लिखेंगे हम इसको, 4/5, ठीक है? 4/5 लिखेंगे। अब आपको पता है कि 243 जो है वो 3 की पावर क्या होता है, 5 होता है, और 32 जो होता है वो कितने की पावर होता है, 2/5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2/5 की पावर कितनी है हमें, 4/5, ठीक है? फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कल, क्या बताया था कि यदि a की पावर m है की पावर n हो, तब क्या होता है, a की पावर m/n होता है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो a क्या है, यहाँ पे 3/2 है की पावर m की पावर कितना हो जाएगा, 4/m, ठीक है? तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3/2/5 × 4/5, ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/2/4, ठीक है? आंसर इसको आप पावर में खोल सकते हैं, क्योंकि 3 × 3 = 29, 27 × 81, 2 × 4 = 8, 2 × 16, ठीक है? 81/16 आ जाएगा, 81/16 भी लिख सकते हैं, 3/2/4 भी लिख सकते हैं, एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको गिवन है कि -k/(-343)-2/3। यदि मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, क्या गिवन है, -1/343 कितनी है, -k/(2/3), ठीक है? फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने अभी आपको बताया था कि a/b की पावर यदि क्या है, -k/m/n है, तब हम उसे क्या लिख सकते हैं, b/a की पावर m/n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -k/343 हो जाएगा, और ये पावर क्या हो जाएगी, 2/3। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें a की वैल्यू गिवन होती है उसको हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही होगी, विच इम्प्लाइज इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं -7/3 कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक है? इतनी बात भी समझ में आ रही होगी। अब ये फिर सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि a की पावर m की पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, a की पावर m इंटू n, ठीक है? फिर ये कॉन्सेप्ट लगेगा तो वही लगाएंगे, लगा दो, -7/3 कितना हो जाएगा, 3 × 2/3। देखो 3 से 3 कैंसिल होगा और -7/2
अब आप सभी को पता है कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करें, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो निगेटिव नंबर हो, हमेशा स्क्वायर क्या आता, पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब 7 कितना होता है, 49। तो 49 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये अच्छे से समझ में आए होंगे चारों पार्ट। अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, इसको मिटा देता हूं, और साथ के साथ नोट करते रहना, अच्छे से रिवीजन करना है बार बार, तभी सीख पाएंगे आप मैथ को। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि व्यंजक 2n प्लस 2n-1 अपॉन 2n+1 माइनस 2n का मान बताइए। ठीक है, इसमें आपको व्यंजक दिया हुआ है और इस व्यंजक का आपको क्या बताना है, मान बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, देखो 2n है, इसको हम एज इज इस लिखेंगे, प्लस 2n-1। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि a^n / a^m हो, तब हम उसको क्या लिख सकते हैं, a^n-n लिख सकते हैं, बताया था। ठीक है, इसलिए ये a^n-1 की फॉर्म में लिखा हुआ है, n-1 की पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, देखो a^2n हो गया ये, अब इसको क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई 2^1 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2^n, वो a^n डिवाइड बाई a^m इक्वल्स टू a^n-m। ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं, आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी, तो मैंने ये लिख दिया इसको। ठीक है, अपॉन 2^n+1 है। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि बेस सेम हो, a^n (a^m) बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, पावर उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, a^n+m हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है 2^n+1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2^n (2^n) - 2^n। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगर आगे बात करें, देखो यहाँ भी 2^n है, यहाँ पे भी 2^n है, दोनों में से मैं क्या कर सकता हूँ, 2^n कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, ले लीजिए 2^n कॉमन ले ली मैंने ऊपर से, तो 1+ कितना बचेगा, 1/2 ये बचेगा। ठीक है, यहाँ से ठीक अपॉन, यहाँ से देखो यहाँ भी 2^n है, यहाँ पे भी 2^n है, तो मैं यहाँ से 2^n कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में से 2^n कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा, 2-1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आई थिंक आपको। चलिए उसके बाद यदि मैं बात करूं 2^n से, 2^n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 1+(1/2) मिलेगा, क्योंकि 2^1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, और देखो यहाँ पे 2-1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, विच इम्प्लाइज देखो यहाँ से कितना आएगा, एलसीएम लेंगे ऊपर तो कितना आएगा, 2 LCM आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2+(1/1) लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वल्स टू कितना जाएगा आपका, 2 और 1 कितना होता है, 3/2, ये इसका आंसर है। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यंजक x^a (a+b) × x^b (c)
बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए की पावर सी प्लस ए। ठीक है, ये व्यंजक है, इसका आपको क्या बताना, मान बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसके सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन देखो क्या लिखा हुआ है, x की पावर a अपॉन x की पावर b की पावर कितनी है a प्लस बी इंटू, देखो इंटू मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, x की पावर b अपॉन x की पावर c की पावर क्या लिखो यार, b प्लस सी इंटू x की पावर c अपॉन x की पावर a की पावर क्या लिखो यार, c प्लस के a। ठीक है, अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि a की पावर n इंटू a की पावर m इक्वल टू क्या होता है, a की पावर n प्लस के m। ठीक है, वैसे ही ये x की पावर a अपॉन x की पावर b पूरा a है, उसकी पावर क्या है, a प्लस b है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, a की पावर x की पावर a अपॉन x की पावर b की पावर a इंटू x की पावर a अपॉन x की पावर b की पावर b। ठीक है, देखो a सेम है, पावर मैंने मल्टीप्लाई में करके लिख दी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा इतना। चलिए इसी तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसी तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, x की पावर b अपॉन x की पावर c की पावर कितना हो जाएगा, b इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर c की पावर क्या हो जाएगा, c। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर c अपॉन x की पावर a की पावर c इंटू x की पावर c अपॉन x की पावर a की पावर a। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि a की पावर n की पावर m है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, a की पावर n इंटू m। ठीक है, जितने भी मैंने आपको घातांक के नियम और कर्णी के नियम बताए हैं, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, उन्हीं से क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व होंगे। अगर आपको वो याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और समझ में भी आएगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले पहली वीडियो देखिए, उसके बाद दूसरी वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो अगर x की पावर a होगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x a स्क्वायर लिख सकता हूँ, x की पावर a स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन में x की पावर b की पावर a करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, x की पावर a इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा। देखो x की पावर a है और उसकी पावर a करेंगे तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, a की पावर n की पावर m वाला। ठीक है, a की पावर n की पावर m क्या होता है, a की पावर n इंटू m। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा अब यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया, उसके बाद इंटू अगर मैं इसकी पावर करूँ तो क्या आएगा, x की पावर a इंटू b अपॉन x की पावर b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b की पावर b होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, सेम तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर b स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये क्या हो जाएगा, x की पावर b c। ठीक है, इंटू वैसे ही इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर b c अपॉन x की पावर c स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए वैसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर c स्क्वायर अपॉन x की पावर a c। ठीक है, x की पावर ए सी हो जाएगा, वैसे ही मैं इसको क्या लिखूंगा, x की पावर ए सी अपॉन x की पावर ए स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आई थिंक आपको सभी को। ठीक है, चलिए x की पावर ए बी से x की पावर ए बी कैंसिल हो जाएगी, x की पावर बी स्क्वायर से x की पावर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x की पावर बी सी से x की पावर बी सी कैंसिल होगा, x की पावर सी से सी स्क्वायर से x की पावर सी स्क्वायर कैंसिल होगा, x की पावर ए सी से x की पावर ए सी कैंसिल होगा और x की पावर ए स्क्वायर से ये वाला x की पावर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सब कट के आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1 आंसर। आई थिंक ये चीज भी आपको समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4th आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4th क्या है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये बोला यदि
ए इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू, यदि ए बराबर रूट थ्री बाई टू है हो तो रूट वन प्लस ए प्लस रूट वन माइनस ए का मान बताइए, ठीक है, इसका मान आपको बताना है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, कुछ बच्चे डायरेक्ट ए की वैल्यू इसमें रख के सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, रखिए वैल्यू। लेकिन अगर इस तरीके से आप सोल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन इतनी लेंथी हो जाएगी, आप बीच में ही छोड़ भागेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो किस तरीके से बनाना है इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, आसान हो जाएगा। अगर मैंने क्या किया, माना, मैं मान लेता हूँ y इक्वल्स टू रूट वन प्लस ए प्लस रूट वन माइनस ए, ठीक है, मैंने इसको y बराबर मान लिया। अगर डायरेक्ट a की वैल्यू इसमें पुट करते तो क्वेश्चन सोल्व तो हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी होगी, सोचना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, हो सकता है आप कर भी ना पाएं, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको ये क्वेश्चन, जब भी आपके एग्जाम में आता तो इसी तरीके से करके आना है, ठीक है, आसान पड़ेगा। मैंने क्या किया, इसको y के इक्वल्स टू मान लिया, ठीक है, इतनी कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो हमें क्या मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस ए प्लस वन माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर ही लिखेंगे एज इट इज। लेकिन ये क्या फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के टू इंटू ए बी, ठीक है। कुछ बच्चों को पता भी होगा, जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है उनको शायद ना भी पता हो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें लगाना है यहाँ पे, देखो ए का स्क्वायर, अगर हम ए का स्क्वायर करेंगे तो रूट वन प्लस ए का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक, प्लस बी का स्क्वायर रूट वन माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू ए बी, टू इंटू ए क्या है रूट वन प्लस के ए, इंटू बी क्या है रूट वन माइनस के, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगर हम इसको स्क्वायर करें, देखो एक बात और मैं बताता हूँ आपको, यदि कोई संख्या रूट में लिखी हुई है, मैंने मान लिया कि रूट ए है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो इसका स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाता, हमारी हमें क्या प्राप्त होता है, ए प्राप्त होता है, ठीक है। कोई रूट की संख्या है, अगर उसको स्क्वायर करें तो उसका क्या होता है, रूट हट जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखो, रूट है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा, वन प्लस के ए, ठीक, प्लस यहाँ पे भी रूट हट जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, वन माइनस ए प्लस टू इंटू, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रूट वन प्लस ए इंटू रूट वन माइनस के ए। मैंने आपको एक रूल और बताया था, चूंकि रूट ए इंटू बी, रूट ए इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो रूट ए इंटू बी को हम रूट ए इंटू वी लिख सकते हैं, तो वैसे ही रूट ए इंटू बी को हम रूट ए भी लिख सकते हैं। वैसे ही देखो, रूट ए है, ये रूट बी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट में वन प्लस ए इंटू रूट में वन माइनस ए, इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। चलिए ये मैंने लिख दिया, अब देखो अगर मैं ब्रैकेट खोलूँ, वन प्लस ए प्लस वन माइनस ए प्लस टू रूट, अब देखो एक फॉर्मूला और याद रखना आपको, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है, आई थिंक ये भी आपको पता होगा। चलिए नहीं पता तो ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए,
ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो माइनस के क्या मिलेगा a स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। देखो यहाँ पे प्लस का ये है, ये माइनस का है, ये भी कट जाएगा आपका, आपको मिलेगा क्या 1 और 1 2 प्लस 2 रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखना कि ए की वैल्यू हमें क्या गिविन थी, ए की वैल्यू आपको गिविन थी रूट 3/2, तो ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, अगर आप 2 प्लस 2 रूट 1 माइनस, ए की वैल्यू क्या थी हमारी रूट 3 की पावर, रूट 3/2 की पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, मैंने क्या किया, अब यहाँ पे आके रूट ए की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, तो ए का स्क्वायर था तो रूट 3/2 का भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 एज इट इज रहेगा 2, यहाँ से सोल्व करेंगे रूट को तो क्या आएगा 1, यहाँ से स्क्वायर करेंगे इसका तो कितना आएगा 3/4, क्योंकि मैंने बताया था कि रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 पे रूट नहीं है तो इसका स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। एलसीएम लीजिए यहाँ से, चलिए इसके आगे लिख देता हूँ मैं बीच इंप्लाइज, आपका क्या आएगा 2 प्लस 2, अगर हम अंदर इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 4 एलसीएम आएगा, यहाँ कितना आएगा 4 माइनस के 3, 4 माइनस के 3। ठीक है, चलिए आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये देख लिए 2 तो एज इट इज आएगा 2, रूट में क्या आएगा, देखो रूट में आएगा मेरा 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 1/4। ठीक है, अब 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/4 का स्क्वायर रूट होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना जाएगा 2 और प्लस 1 कितना होगा 3। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई 3 मेरी, 3 मेरी वैल्यू आ गई बाई स्क्वायर की, बाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, विच इम्प्लाइज अगर मैं बात करूँ वाई की वैल्यू कितनी जाएगी रूट 3। ठीक है, स्क्वायर उधर जाएगी क्या होगा रूट में जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई रूट 3। अब मैंने वाई किसको माना था, वाई मैंने माना था 1 प्लस ए रूट में प्लस 1 माइनस ए, इसको मैंने क्या माना था वाई माना था, इसकी वैल्यू क्या आ गई रूट 3, इसी की वैल्यू मुझसे पूछी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका रूट 3 आंसर। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और हाँ वीडियो को शेयर करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो, जितना आप इस वीडियो को वायरल कर सकते हैं उतना कर दो। ठीक है, इसमें आप लोगों का भी फायदा और हमें मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, चलिए इसको मिटा देता हूं। पेशेंस बना के देखिए, वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि टाइम कम है, आपके सिलेबस में 20 चैप्टर हैं, 20 के 20 चैप्टर आपको कंप्लीट कराने हैं विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस के, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तो पेशेंस बना के वीडियो को देखें, लेंथ से ना डरें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 320 हो तो x का मान बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है, x की पावर 2x, x 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 320, तो अब हमें x की वैल्यू बतानी है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, देखो क्या लिखा है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर क्या लिखा है x प्लस 1 इक्वल्स टू 320। ठीक, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि यदि a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर m है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं a की पावर n माइनस m, ये पता है आपको, कई क्वेश्चंस में हम इसको यूज भी कर चुके हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n माइनस के m।
ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है x 2 की पावर x माइनस 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके लिख सकता हूँ 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1, ठीक है, क्योंकि ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी, जैसे ये 2 a की पावर n अपॉन a की पावर m है, m ऊपर गई तो माइनस में चली गई, वैसे ये 2 की पावर माइनस में चली जाएगी, ठीक, प्लस 2 की पावर x प्लस 1 है। एक कॉन्सेप्ट और मैंने आपको बताया था कि a की पावर n इंटू a की पावर m है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर n प्लस के। ये चीज भी कई बार यूज कर चुके हैं, आई थिंक आपको समझ में आने लगा होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी। 320 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 320 को मैं लिख सकता हूँ 32 इंटू 10 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। चलिए अब देखो, 2 की पावर x, 2 की पावर x अपॉन में 1 मान सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 1 है यहाँ पे अपॉन में, यहाँ पे 1 मान सकता हूँ, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब 2 की पावर x में कॉमन लग सकता हूँ ऊपर से, बिल्कुल ले सकता हूँ, 2 की पावर x मैंने कॉमन लिया है, क्या बचेगा, 1 अपॉन 2 बचेगा ब्रैकेट में, क्योंकि 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, प्लस यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा मेरा 2, यहाँ से कितने बचेगा, 2 बचेगा, 2 अपॉन 1, ठीक है, इक्वल टू 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आप सभी को अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखो 2 की पावर x एलसीएम लेंगे हम, 2 एलसीएम आएगा, ये 1 एज इट इज आएगा और ये 2 इसकी मल्टीप्लाई होगी, 2 2 जा 4, ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 की पावर x एज इट इज आएगा इंटू 5, अब ये अपॉन का 2 इधर जाएगा, ठीक है, तो उधर लेके जाइए, कितना आ जाएगा ये 2 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इस 2 को मैं इधर लेके आ गया तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो इस 5 से 5 कैंसिल होगा, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और इधर 2 की पावर x मिलेगा और इधर क्या मिलेगा, देखो 2 की पावर 5 ये है, 2 की पावर 2 ये होगा, तो 2 की पावर कितना आएगा 7, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं ये वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो कंपेयर करने पर इसको क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर अगर हम तुलना करने पर देखें, 2 की पावर x है यहाँ पे, 2 की पावर 7 है, तो x बराबर कितना मिलेगा मुझे 7, ठीक है, तो x की वैल्यू मेरी क्या होगी 7 होगी आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में, निम्नलिखित में n का मान बताइए। n का मान हमें बताना है, इसका पहला पार्ट है, 6 का पहला पार्ट है आपका √3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 इक्वल्स टू 3 की पावर n इंटू क्या है आपका 3 इंटू 3। इसका दूसरा पार्ट है आपका, इसका दूसरा पार्ट है आपका 27 की पावर 2/3 इंटू 81 की पावर माइनस 1/2 इक्वल्स टू 3 की पावर n, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस में हमें क्या बताना है, दोनों क्वेश्चन में हमें बताना है n की वैल्यू, n का मान हमें बताना है, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए पहले इसको क्वेश्चन को देखते हैं, पहले वाले को। अब देखो √3 की पावर 5 है, तो 3 की पावर 5 का मतलब, √3 की पावर 5 का मतलब है मैं इसको √3 को 5 बार मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। मैंने 5 बार इसको मल्टीप्लाई में लिख लिया। और 9 की पावर 2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले बात तो ये बताइए 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 3 की पावर n है इंटू 3 √3। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी यहाँ तक आई थिंक। अब देखो इस √3 से मैं इस √3 को कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है सारा, ये भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब आ गया ये बात,
अब मैंने आपसे एक बात और पूछी कि एक बार बताइए कि अगर मैं रूट ए इंटू रूट की मान की बात करूं, रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है? ए होता है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि वैल्यू ए होती है। ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताई थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब रूट थ्री मिलकर क्या बनेगा, थ्री बनेगा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। वैसे ही यहाँ पे रूट थ्री और रूट थ्री मिलकर क्या बनाएगा, थ्री बनाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, थ्री की पावर टू की पावर टू है, तो ये हो गया ए की पावर एन की पावर एम, जो होता है ए की पावर एन इंटू एम, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री की पावर फोर इक्वल टू थ्री की पावर एन इंटू थ्री मिलेगा मुझे यहाँ से। अब देखो इस थ्री से मैं इस थ्री को भी कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ से कितना मिलेगा, थ्री की पावर मुझे फाइव मिलेगा, थ्री की पावर यहाँ वन होगा और ये फोर है, दोनों क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर की हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो थ्री की पावर फाइव इक्व टू कितना आएगा, थ्री की पावर एन आ जाएगा। तुलना करेंगे हम, तुलना करने पर यदि हम तुलना करते हैं तो कितना मिलेगा मुझे, एन इक्व टू फाइव, ठीक है आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, राइट डाउन करना तो कर लीजिए जल्दी से, मिटा देता हूँ। अगर आपको लिखना हो करे तो वीडियो को रोक के लिख लिया करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट आपको गिविन है कि 27 की पावर कितनी दे रखा है, 2/3 दूसरा पार्ट, ठीक है, इंटू 81 की पावर कितना दे रखा, माइनस के 1/2 इक्वल्स टू 3 की पावर n, ठीक है। अब देखो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2/3, ठीक। अब इसको देखो पावर क्या है, नेगेटिव में है, पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्रैकेट में होता है उसको हम उल्टा कर देते हैं। अगर उल्टा करेंगे तो हमें क्या करेंगे, 81 लिखेंगे, 1/81 लिखेंगे, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है, चलिए इक्वल्स टू 3 की पावर n। अब 3 की पावर n से कंपेयर करना, तो इसको हम उल्टा नहीं करेंगे, एज इट इज रहने दीजिए, एज इट इज रहने दीजिए। और 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 27, 3 × 81 तो क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 एज इट इज लिखिए, पावर क्या आएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, एज इट इज, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा ए की पावर एन की पावर एम का, क्या हो जाएगी, ए की पावर एन इंटू एम, ठीक है। तो लगा दो कितने आगे, 3 की पावर 3 की पावर इंटू 2/3 गुणा 3 की पावर कितना आगे, 4 गुणा माइनस के 1/2 इक्वल टू 3 की पावर n, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी, 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 से 2 बार जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 3 की पावर 2 आएगा इंटू यहाँ से कितना आएगा, 3 की पावर -2, क्योंकि -1 ये है और 2 ये है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा इक्वल टू 3 की पावर n। अब आपको पता है कि यदि ए की पावर n इंटू ए की पावर m है, तब हम उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं ए की पावर n प्लस के m लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, घाते क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर हम 3 की पावर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, 2 - 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इक्वल टू 3 की पावर n। अगर हम तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, तुलना करने पर मिलेगा हमें n इक्व टू 0, ठीक है आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी हो सकती होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित को आरोही व अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। इसके पार्ट गिवन है, पहला पार्ट है इसका, पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है रूट टू कोमा
क्यूब रूट फोर कोमा फोर्थ रूट सिक्स, ठीक है। और दूसरा पार्ट है इसका आपका रूट टू कोमा सिक्स रूट थ्री कोमा थ्री रूट फोर कोमा फोर रूट फाइव, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको गिवन है, इन्हें आरोही व अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले जो मैथ बैकग्राउंड के उन्हें पता होगा कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है उनको शायद नहीं पता हो, पता भी हो सकता है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है पहले हम सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, ठीक है। पहले सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अवरोही में जैसे इसका उल्टा होता है, अवरोही क्रम जो होता है क्या होता है, पहले हम सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अवरोही में सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, आरोही में सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में जो गिवन है इनको आरोही और अवरोही क्रम में हम कैसे लिख सकते हैं। पहले मैं आपको तीन संख्याएं गिवन है, तीन नंबर गिवन है, तीन कर्णी गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं कर्णी की बात करूं, तो अगर मैं रूट टू की बात करूं, तो रूट टू को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 बाई टू लिख सकता हूं, ठीक है। पहली क्लास में बताया था मैंने, यदि आपको x की पावर रूट एक्स की पावर n है, तब उसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर बाई 1 बाई n लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैंने ये लिख दिया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कई बार हम इसको यूज कर चुके हैं। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। वैसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर इसको 1 बाई 3 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 की पावर 1 बाई 4, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत परेशानी, इसको मैं मिटा देता हूँ। तीनों संख्याओं को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो इनका बेस क्या है, 2, 3, 4 है। अगर मैं 2, 3, 4 के LCM की बात करूं तो क्या आएगा, LCM आएगा आपका 12। कुछ बच्चे LCM नहीं जानते होंगे, LCM का मतलब है ऐसा नंबर, छोटे से छोटा ऐसा नंबर लेना है हमें कि जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो मुझे पता है कि इन तीनों से डिवाइड होने वाला छोटा सा नंबर जो है वो 12 है, तो इसका मतलब इसका LCM कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, और 4 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी LCM क्या लेते हैं। अब इस LCM को हम क्या करेंगे, इसकी पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 2 की पावर क्या 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 की पावर में मल्टीप्लाई कर दें हम 12, LCM की मल्टीप्लाई कर दें, नहीं सब में सभी में देखो 1 बाई 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 12, ठीक है। देखो काटो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, और ये 3 बार जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया, 2 की पावर 6 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल गया मुझको, 4 की पावर 4 मिल गया, यहाँ पे मिल गया मेरे को 3 की पावर वो 6 की पावर 3, ठीक है। अब 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, देखो 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32, और 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 64, ठीक है। 4 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, देखो 4 चौक 16, चौका 64, चौका कितने होते हैं आपके 256, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 256। 4 चौक 16, चौका 64, और 64 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 का 6, हाँ से ले 4 चौक 24, 25, 256 होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। और 6 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 6 36 दिया 216। अब देखना है कि किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। सबसे पहले इसकी आरोही क्रम में अगर हम लिखेंगे इनको, आरोही क्रम में अगर हम लिखने की बात करें तो सबसे छोटा लिखते हैं, सबसे पहले हम आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन सा है, रूट टू, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट टू लिख सकते हैं। तो रूट टू सबसे पहले आएगा आपका, ठीक है, सबसे छोटा, छोटे का साइन ये होता है, ठीक है। उससे बड़ा क्या है आपका, 256, सबसे बड़ा है 216 किससे आया है, 6 की पावर 1 बाई 4 की पावर 1 बाई 4 लिख सकते हैं, फोर्थ रूट
6, उससे बड़ा क्या होगा आपका, 256 किससे आया था, 4 की पावर 1/3, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 4। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आपका आरोही क्रम हो गया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम इसके अवरोही क्रम की बात करें, अवरोही क्रम की बात करें, तो अवरोही क्रम में जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा होगा, √3 4 पहले आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 4√6 आएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका अवरोही और आरोही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो बताइए मुझे कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ये आपका पहला चैप्टर DLED 4 सेमेस्टर का फिनिश हो गया है, अब जो दूसरा चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।